गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चे को मोबाइल नंबर कैसे लर्न कराएं। अगर आप प्लेन मोबाइल नंबर ऐसे आप बच्चे को लर्न कराते हो 7255632109, तो बच्चा जल्दी लर्न नहीं करेगा। लेकिन एक फ़न के थ्रू अगर सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक मोबाइल नंबर लिख रखा है। ये मोबाइल नंबर आप सबको पता है कि 10 डिजिट्स के ही होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को 0 to 10 नंबर की पहचान होनी चाहिए और वो नंबर उसको लर्न होना चाहिए। फिर हम बच्चे को, जैसे मोबाइल नंबर यहाँ लिखा है, तो हम बोलेंगे कि जो भी नंबर है इसमें आप उसको ढूंढिए और उस पर सर्कल करिए। जैसे पहला नंबर 7 है तो बच्चा 7 पे सर्कल करेगा, 2 है तो 2 पे करेगा, अब 5 दो बार रिपीट हुआ है तो 5 पे दो बार सर्कल करेगा, ये इस तरीके से करेगा। इसके बाद सारे नंबर सर्कल करने के बाद यहाँ पे मैंने वही नंबर पेंसिल से लिखे हैं। अब बच्चे से बोलना है कि उसी नंबर को कलर से रिपीट करे, लिखे और उसको फिर बोले, जैसे 7 2 ऐसे बोलते हुए उस नंबर को कलर करे। फिर मैंने वही नंबर यहाँ पे डॉट्स में दिए हुए हैं। अब आपको बोलना है कि फिर से उस नंबर को बोलते हुए उस पर कलर या पेंसिल जो भी चलाए, ये इस तरीके से 7 फिर 2 5 ऐसे करते हुए सारे नंबर को बोलते हुए लिखे। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्लेन ब्लॉक्स बनाए हैं। इस ब्लॉक में आपको बोलना है कि इसी नंबर को यहाँ पे फिर से उसको पेंसिल या कलर किसी से भी लिखे। फिर मैंने आपको देखिए फ्लैश कार्ड तैयार किया है। अब आपको बोलना है इसको दो तरीके से यूज़ करना है। पहले तो आप ये बोलिए कि 7 के नीचे 7 2 के नीचे, मतलब जो नंबर है उसके नीचे आप इसको ऐसे लगाते चले जाइए, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, आप इसको मिक्स कर दीजिए और कॉपी हटा दीजिए और फिर बच्चे से कहिए कि जो नंबर आपने सर्कल किया, इसको दो बार लिखा है, 3 बार, तो इसके बाद आपको अगर लर्न है तो आप उसको फिर से नंबर अपने से सोच के उसको नंबर में लगाइए, इस तरीके से करवाइए। अगर इसमें कुछ गलती होती है तो उसको फिर से रिपीट कराइए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी नंबर को लर्न करेगा और उसको ये हमेशा इसके मेमोरी में बना रहेगा। तो आप इस एक्टिविटी को वीक में कई बार रिपीट करिए, इससे बच्चे को आपका मोबाइल नंबर जल्दी से जल्दी लर्न होगा। थैंक यू।